बच्चों लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी, हम लोग केमिकल कंपोजिशन वसर फाइबर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट की वीडियो में मायोसिन की और एक्टिन की बात की थी, मायोसिन और एक्टिन की बात की थी। आज हम थर्ड नंबर पे देखने वाले हैं ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन फाइबर, ट्रोपो मायोसिन ट्रोपोमायोसिन, ठीक है ना। ट्रोपोमायोसिन की यदि बात की जाए तो ये क्या होता है, एक प्रोटीन का पेशीय तंतु होता है, प्रोटीन का पेशीय तंतु होता है जो कि लगभग लगभग प्रोटीन के 3 से 8% भाग से बनता है, ठीक है। आणविक भार की यदि बात की जाए तो 70,000 इसका आणविक भार, 70,000 तक आणविक भार पाया जाएगा। मॉलिकुलर वेट, लंबाई की यदि बात की जाए तो लंबाई इसकी 4 एंगस्ट्रॉम तक होती है और व्यास इसका 20 एंगस्ट्रॉम तक पाया जाता है। ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन पेशीय तंतु मसल फाइबर, पेशीय तंतु में उपस्थित प्रोटीन का लगभग 3 से 8% भाग से निर्मित होता है, 3 से 8% भाग से निर्मित होता है। ट्रोपोमायोसिन का आणविक भार ट्रोपोमायोसिन का आणविक भार 70,000 तक पाया जाता है, ठीक है ना। 70,000 तक क्या पाया जाएगा, इसका मॉलिकुलर वेट पाया जाएगा। हमने मॉलिकुलर वेट में बात की है, जैसे हमने बात की मायोसिन की, मायोसिन का मॉलिकुलर वेट था 50,000 50,000 तक। फिर हमने देखा था एक्टिन, एक्टिन फाइबर जिसका मॉलिकुलर वेट था 60,000 के आस 60,000, ठीक है ना। और अब हम देख रहे हैं ट्रोपोमायोसिन जिसका आणविक भार पाया जाता है 70,000 तक। तो इनकी आणविक भार की उपस्थिति के आधार पर ही, आणविक भार के आधार पर हमने क्या किया, इनको अलग अलग किया है, इनको अलग अलग किया है, ठीक है ना। इसका आणविक भार क्या होगा, 70,000 तक पाया जाएगा। इसकी लंबाई लंबाई 400 एंगस्ट्रॉम तथा 20 एंगस्ट्रॉम व्यास, 20 एंगस्ट्रॉम व्यास पाया जाता है, ठीक है ना। ट्रोपोमायोसिन की यदि बात की जाती है तो दो प्रकार के पाए जाते हैं इसमें, क्या होता है ट्रोपोमायोसिन ए होता है जो अमोनियम सल्फेट के विलयन में, NHSO4 के विलयन में, अमोनियम सल्फेट के विलयन में। और ट्रोपोमायोसिन बी क्या होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है। ट्रोपोमायोसिन तंतु सामान्य रूप से दो प्रकार की होती है। इसमें एक ट्रोपोमायोसिन ए ट्रोपोमायोसिन ए अमोनियम सल्फे अमोनियम सल्फेट विलयन में, सल्फेट विलयन में तथा ट्रोपोमायोसिन बी
ट्रोपोमायसिन बी जल में घुलनशील, सॉरी जल में घुलनशील होती है, ठीक है ना। ट्रोपोमायसिन भी क्या होती है, जल में घुलनशील पाई जाती है। हमने ट्रोपोमायसिन में बात की है, क्या होता है, प्रोटीन का पेशीय तंतु होता है, प्रोटीन मसल फाइबर से होता है, बनता है। इसमें प्रोटीन का लगभग 3 से 8% भाग पाया जाता है। इसका यदि आणविक भार की बात की जाए ट्रोपोमायसिन के, तो 70,000 तक इसका आणविक भार पाया जाता है, जिसकी लंबाई 400 एंगस्ट्रॉम, तथा 20 एंगस्ट्रॉम तक इसका व्यास पाया जाता है, ठीक है ना। ये ट्रोपोमायसिन का जो तंतु है, सामान्य रूप से इनकी घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता सॉल्युबिलिटी के आधार पर हमने दो प्रकार से इसको विभक्त कर सकते हैं, बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक होता है ट्रोपोमायोसिन ए, इसमें एक होता है ट्रोपोमायोसिन ए, जिसको हमने अमोनियम सल्फेट के सॉल्यूशन में घोला, ठीक है ना। इसको हमने किस में घोला, अमोनियम सल्फेट के सॉल्यूशन में घोला। और ट्रोपोमायोसिन बी ये होता है हमेशा वाटर में सॉल्युबल होता है, जल में घुलनशील पाया जाता है, जल में घुलनशील पाया जल में घुलनशील पाया जाता है। फिर सेकेंड नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ नंबर पे ट्रोपोनिन, फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन ठीक है ना। ट्रोपोनिन में क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन के अणु उपस्थित रहते हैं। ये भी क्या होता है, एक्टिन और ट्रोपोमायसिन के साथ, एक्टिन और ट्रोपोमायसिन के साथ बंधन बनाकर इस प्रोटीन तंतुओं की दूसरी चेन का निर्माण करता है। यदि इसकी बात की जाए 400 एंगस्ट्रॉम तक इसकी लंबाई पाई जाती है। ट्रोपोनिन प्रोटीन में भी, ट्रोपोनिन प्रोटीन तंतु में भी, प्रोटीन तंतु में भी ग्लोबुलर प्रोटीन के अणु उपस्थित होते हैं, यह प्रोटीन भी, एक्टिन एवं ट्रोपोमायसिन के साथ, एक्टिन व ट्रोपो मायोसिन के साथ, एक्टिन व ट्रोपोमायसिन के साथ द्वितीय सूत्र ये कह सकते हैं, सेकेंडरी चेन के द्वितीय सूत्र के रूप में, सेकेंडरी चेन के रूप में उपस्थित पाया जाता है, ठीक है ना। सेकेंडरी चेन के रूप में उपस्थित पाया जाता है। फिर हमारे पास लास्ट प्रोटीन तंतु आता है एक्टिनिन, फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे पास प्रोटीन तंतु के रूप में एक्टिनिन। एक्टिनिन की यदि बात की जाए तो एक्टिनिन का आणविक भार होता है 1,60,000, ठीक है ना। यह हमेशा, जैसे हमने बात की था, धारियाँ पाई जाती हैं, देखित प्रकार के पेशियों की यदि हमने बात की, हमने कार्डिक प्रकार की मसल्स की बात की, इसमें क्या होती है, धारियाँ पाई जाती है। इसी प्रकार से धारियाँ कुछ विशिष्ट प्रकार की रेखाएँ बैंड्स का फॉर्मेशन करती है, जैसे आई बैंड, जेड बैंड, ठीक है ना। तो जेड बैंड पर क्या होती है, एक्टिनिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना।
और एक्टिन एंड प्रोटीन हमेशा एक्टिन के साथ, जो हमने सेकंड नंबर पे देखा था, एक्टिन के साथ क्या करते हैं, तेज से क्रिया करती हुई प्रदर्शित क्रिया करती है। एक्टिन का आणविक भार 1,60,000 तक पाया जाता है। यह प्रोटीन पेशीय तंतु यह प्रोटीन पेशीय तंतु पेशियों की पेशियों की जेड रेखा पर उपस्थित होता है, ठीक है ना, जेड रेखा पर उपस्थित होता है। एक्टिनिन एक्टिन के साथ तेजी से क्रिया करता है, ठीक है ना। हमने आज बात की है किस किस की, ट्रोपोमायोसिन की बात की हमने, ट्रोपोमायोसिन में हमने बात की है लगभग ये सारी प्रकार की प्रोटीन को देखा जाए यदि, तो 3 से 8% भाग का प्रोटीन की 3 से 8% भाग का निर्माण किस भाग का निर्माण होता है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है ना। 3 से 8% प्रोटीन जो होते हैं वो ट्रोपोमायोसिन का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। आणविक भार की यदि बात की जाए, तो मायोसिन का था 50,000, एक्टिन का था 60,000, ट्रोपोमायोसिन का हो गया 70,000 तक मॉलिकुलर वेट। लंबाई की यदि बात की जाए तो ट्रोपोमायोसिन अणु की लंबाई पाई जाती है 400 एंगस्ट्रॉम। तथा व्यास की बात की जाए, डायमीटर की बात की जाए, तो 20 एंगस्ट्रॉम तक क्या होता है इसका व्यास पाया जाता है। इसकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर हमने इसको क्या दो भागों में डिवाइड किया है, इसमें एक होता है ट्रोपोमायोसिन ए, एक होता है ट्रोपोमायोसिन बी, ट्रोपोमायोसिन जो ए होता है ये होता है अमोनियम सल्फेट के विलयन में सॉल्युबल होता है, अमोनियम सल्फेट के सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है। और जो ट्रोपोमायोसिन बी होता है ये होता है वाटर में सॉल्युबल पाया जाता है, ठीक है ना, वाटर में सॉल्युबल पाया जाएगा। फिर बात आती है हमारे ट्रोपोनिन की, ट्रोपोनिन पेशीय तंतु की बात की आती है, ट्रोपोनिन मसल फाइबर की बात आती है। इस ट्रोपोनिन का निर्माण भी हमेशा किससे होता है, ग्लोबुलर प्रकार की प्रोटीन से किसका निर्माण होगा, ट्रोपोनिन पेशीय तंतु का, ट्रोपोनिन मसल फाइबर का निर्माण होगा। यदि बात की जाए तो ट्रोपोमायोसिन एक्टिन, ठीक है ना, ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के साथ ही क्रिया करता है, ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के साथ ट्रोपोनिन क्रिया करके किसी भी पेशीय तंतु की सेकेंडरी चेन जो होती है उसका निर्माण करने का कार्य करता है, ठीक है ना। फिर हमने बात की थी फिफ्थ नंबर पे एक्टिनिन की। एक्टिनिन का आणविक भार हमने बोला 1,60,000 तक पाया जाएगा, ठीक है ना। एक्टिनिन का आणविक भार, मॉलिकुलर वेट की हमने बात की, तो 1,60,000 तक इसका मॉलिकुलर वेट पाया जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोटीन का क्या होगा, पेशीय तंतु होगा, जो कि पेशियों में एक दूसरे पर चलने के लिए जेड प्रकार की रेखाओं पर क्या होगा, उपस्थित पाया जाएगा। एक्टिन हमेशा एक्टिन के साथ तेजी से क्या करता है, क्रिया प्रदर्शित करता है, रिएक्शन
प्रदर्शित करता है। हमारी ये वीडियो चल रही थी किसके ऊपर बेस्ड थी, केमिकल कंपोजिशन के ऊपर, रासायनिक संगठन के ऊपर, पेशीय तंतुओं का जो भी हमने रासायनिक संगठन देखा, पेशीय तंतु के रूप में हमने मुख्य प्रकार से प्रोटीन तंतु के रूप में हमने देखे मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और एक्टिनिन को हमने देखा, एक्टिनिन को हमने देखा है, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।